सो नमस्कार दोस्तों, टेक ड्राइव प्रो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबके तो फोन में गूगल प्ले स्टोर तो जरूर रहता होगा, जहां से कि आप अपने फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते होंगे, डाउनलोड करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके फोन के अंदर ये जो गूगल प्ले स्टोर है, इसके अंदर चार ऐसा खतरनाक हिडन ट्रिक छिपा हुआ है, खुफिया सेटिंग छिपा हुआ है, जिसके बारे में यदि आप सिर्फ जान लेते हो तो इसकी मदद से ना आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले उस एप्लीकेशन का सारा डिटेल ले सकते हो कि वो एप्लीकेशन कोई हैक वाला तो एप्लीकेशन नहीं है जो कि आपके फोन को हैक कर सकता है। आपका फोटो, व्हाट्सएप चैट, जो भी सब कुछ है व्हाट्सएप के अंदर, सब कुछ आपका प्राइवेट चीज देख पाएगा और आप सबको कानो कान खबर भी नहीं पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्ले स्टोर में ऐसा ऐसा चार अपडेटेड तरीके है जिसका यूज करके आप अपने प्ले स्टोर को इतना ज्यादा सिक्योर कर पाओगे कि कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज का वीडियो ना सबसे अलग होने वाला है धमाकेदार में प्ले स्टोर को लेकर, जिसे आप सबको ध्यान से देखना है दोस्तों। तो वैसे अगर आप भी सीखना चाहते हो कि इस गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऐसा भी चार कौन सा खुफिया ट्रिक छिपा हुआ है, तो आपको करना क्या है इसके लिए, सबसे पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट कर देना है, और ये जो लाल वाला बटन है इस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ ही बेल आइकन पर दबाकर सेट कर लीजिए। इससे ये होगा कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलेगा सबसे पहले, वीडियो को शेयर कर देंगे तो और भी लोगों को जानकारी मिल पाएगी, और वो भी अपने फोन के अंदर छिपे हुए प्ले स्टोर के अंदर छिपे हुए चार खुफिया सेटिंग के बारे में जान पाएंगे। और इतना सब कर लेने के बाद वीडियो पसंद आए तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, प्ले स्टोर बेस्ट ट्रिक। तो इतना छोटा सा काम कर लेने के बाद वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूं, जो कि प्ले स्टोर के अंदर छिपा हुआ है। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, चार चार ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, चारों का चारों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये ट्रिक आप सबके लिए यूजफुल रहने वाला है और आपके फोन के लिए फायदे ही रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले ट्रिक की ओर दोस्तों। तो ट्रिक को अपने फोन में ऑन करने से पहले, यूज करने से पहले मैं इसका मतलब समझाता हूं दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमको जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है तो हमारे फोन पर प्ले स्टोर पर तो बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जहां से हम डाउनलोड करते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो कि हम प्ले स्टोर मतलब कि थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं हम अपने फोन में एप्लीकेशन को, क्योंकि वो बड़े ही आसानी से मिल जाता है, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जब प्ले स्टोर से मतलब कि वहां वेबसाइट से कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो वो ना एप्लीकेशन हैक वाला होता है, कोई कोई मतलब हैक वाला, प्ले स्टोर पर भी होता है हैक वाला, सभी जगह हैक वाला एप्लीकेशन होता है। तो आप पता नहीं कर पाओगे कि कौन एप्लीकेशन हैक वाला है या कौन एप्लीकेशन बिना हैक वाला है, तो कुछ नहीं पता कर पाओगे। लेकिन आप अपने फोन में एक ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, इस पहले ट्रिक के जरिए एक ऐसे सेटिंग को ऑन कर सकते हो जिसकी मदद से ना आपके फोन में कोई भी अगर एप्लीकेशन हानिकारक है ना, हैक वाला है, तो अपने आप ही सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है यार, तो बिल्कुल होगा, कैसे देख लीजिए। इसके लिए आपको अपने फोन के प्ले स्टोर के प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्ले प्रोटेक्ट। यकीन मानिए ये ट्रिक ना आपके हार्मफुल एप्लीकेशन को, हैक वाले एप्लीकेशन को, सबको आपके सामने ये पेश कर देगा कि कौन एप्लीकेशन हार्मफुल है। तो बस यहां पर जैसे आइएगा तो स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, स्कैन कर लीजिए। स्कैन कब काम करेगा, जब आप अपने फोन में दो सेटिंग ऑन करोगे। तो यहां पर आइए, ये दो सेटिंग ना आपके फोन में बंद होगा। यहां पर ध्यान से देखिए, ये सेटिंग ना, ये जो दो सेटिंग है ये आपके फोन में बंद होगा। तो सबसे पहले इसे इनेबल कर लीजिए, क्योंकि ये ना सेटिंग आपके फोन के लिए हानि नहीं है, बिल्कुल फायदा होने वाला है। स्कैन कर लीजिए, स्कैन कर लीजिएगा तो स्कैनिंग में कुछ प्रोसेस चलेगा जिससे कि पूरा एप्लीकेशन को सब कुछ को डिटेक्ट करके आपके सामने ये बता देगा। अगर हार्मफुल रहेगा तो ये जो यहां पर आपका घूम रहा है ना, ये आपका रेड सा हो जाएगा और नीचे में लिखा जाएगा दिस एप्लीकेशन इज रिस्किंग। तो जैसे ही हो जाएगा, कुछ देर लगेगा, स्कैनिंग हो जाएगा, तो देख लीजिए नोट हार्मफुल ऐप, मेरा फोन में कोई एप्लीकेशन हार्मफुल नहीं तो लिखा गया, अगर हार्मफुल होगा तो रेड हो जाएगा और वहां पर एप्लीकेशन आ जाएगा यहां पर और अनइंस्टॉल का भी ऑप्शन दे देगा। तो आप अपने अनुसार वहां पर कस्टमाइज कर लीजिएगा। तो इस पहले ट्रिक के जरिए आप अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेकेंड ट्रिक की ओर। तो दोस्तों, सेकेंड ट्रिक को यूज करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका इस्तेमाल कहां कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप प्ले स्टोर में आते हो तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, गेम का, ऐप का, अदर का, मूवी का, यानी कि यहां से आप मूवी देख सकते हो, सब कुछ खराब, अच्छा, वीडियो सब कुछ मिल जाएगा, बुक्स भी देख सकते हो जो कि बहुत ही अलग अलग तरीके का, गंदा भी बुक होता है और अच्छा भी होता है। तो अभी आप कुछ नहीं समझ रहे होंगे, मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा तब आप समझ जाएंगे। तो आपको सिंपली यहां प्रोफाइल मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहां पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो सेटिंग पर क्लिक करना, जैसे
जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों मेरे ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो। दोस्तों आप सबके घर में तो बच्चे लोग जरूर होंगे, दोस्तों बच्चे हैं तो वो फोन मांगते होंगे, तो आप तो ऑब्वियसली बात है उसे आप दे देते होंगे। दोस्तों जब आप बच्चे के हाथ में दे देते हो, मतलब कि फोन दे देते हो, तो आप एक सेटिंग का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे यहाँ फैमिली पर आइएगा तो नाम से पता चल रहा होगा कि फैमिली, यानी कि आपके फोन के लिए अच्छा ही होगा सेटिंग। तो यहाँ पर जैसे आइएगा तो यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल में इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो ये आपका बंद होगा, ये आपका बंद है तो इसे चालू कर दीजिए। जैसे ही चालू करिएगा तो यहाँ पर आपको पिन कहेगा डालने के लिए, तो चार पिन कोई भी डाल देना है। तो जैसे कि मैंने डाल दिया तो आपको दो बार कहेगा डालने के लिए, तो ये देखिए खुल जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से ये ऐसे जैसे ही खुलेगा, जैसे कि देखिए मैं डाल देता हूँ खुल गया ये, तो फिर से ये करा है कंफर्म करने के लिए, तो मैं यहाँ पर डाल के इसे कंफर्म करके ओके कर दिया हूँ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन खुल के आएगा, जो कि यहाँ पर ऐप एंड गेम होगा और यहाँ पर फिल्म होगा। तो ऐप एंड गेम पर जाइएगा तो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है। दोस्तों आपके फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल रहता है, बिल्कुल ठीक नहीं रहता, उसके लिए सही नहीं रहता, उसके एज के अनुसार ठीक नहीं रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो थर्ड प्लस दिया हुआ है, यानी कि 3 साल का 7 साल का 12 साल का सब कुछ दिया हुआ है। दोस्तों इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा तो बच्चे के हाथ में पहले ही आप मोबाइल दीजिए, लेकिन प्ले स्टोर पर कंट्रोल आपका ही होगा। तो आपको क्या कर देना है, मान लीजिए कि आप चाहते हो कि बच्चे कुछ गलत चीज ना सीख पाए, गलत ऐप को डाउनलोड ना कर पाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 7 पर जाके कर देना है लॉक और सेव कर देना है। 7 पर जैसे ही लॉक करोगे दोस्तों, और साथ साथ यहाँ पर देखिए फिल्म का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि मैंने आपको प्ले स्टोर में दिखा दिया था, फिल्म का भी ऑप्शन होता है जो कि गंदा अच्छा वीडियो सब तरीका का होता है। तो बच्चे आएंगे तो वहां पर हो सकता है कि गंदा वीडियो भी उसको दिख सकता है, जो कि आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पर UA पर देके इसे अंडरस्टूड कर सकते हो। जैसे करके सेव कर दोगे तो अब क्या होगा कि इस एप्लीकेशन में जो भी आपको दिखाएगा ना, जैसे कि देख लीजिए गेम में आया तो इसको ना 7 साल के नीचे का ही दिखाएगा गेम, जो कि बच्चे के लिए अच्छा होगा। और ऐप्स पर आएंगे तो वही ऐप दिखाएगा जो कि बच्चे के लिए सेफ रहेंगे। और मूवी पर आएंगे तो ये बिल्कुल अच्छा अच्छा दिखाएगा सब कुछ, यहाँ पर मूवी खराब वीडियो बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। और साथ साथ ही यहाँ पर बुक पर आएगा तो सब बुक अच्छा ही अच्छा होगा, कोई खराब नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से बच्चे को अच्छा ज्ञान मिल पाएंगे, वो गलत चीज का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस दो नंबर के ट्रिक का इस्तेमाल करके ये इस चीज का फायदा उठा सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते अब आखिरी थर्ड ट्रिक की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ये भी आपके बच्चे को ही लेकर है दोस्तों। तो थर्ड नंबर का ट्रिक क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। दोस्तों आप अपना फोन बच्चे के हाथ में तो जरूर देते होंगे, आजकल का तो बच्चे जानते ही होंगे कि बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फोन के अंदर, जैसे आपका गेम ही हो गया फ्री फायर पबजी, कुछ भी बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो जैसे क्या होता है प्ले स्टोर से जैसे डाउनलोड करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि पैसे में होते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपका अकाउंट ATM या बैंक का कोई भी डिटेल आपके फोन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो आज का इस ट्रिक को जरूर देख के जाइए, ये आपके सारे पैसों को बचा देगा दोस्तों, नहीं तो सारा पैसा आपका यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगा। बच्चे के हाथ में दे दोगे तो जैसे देख लीजिए मैं यहाँ पर सर्च किया, मान लीजिए बच्चे को कोई यहाँ पर पैसा वाला एप्लीकेशन मिल गया तो उसको तो कुछ पता नहीं होता है। जैसे कि ये देख लीजिए एक पैसा वाला एप्लीकेशन है, तो उसको इंस्टॉल करना होगा तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेगा, क्लिक कर देगा तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको वो अगर आपका जुड़ा हुआ है ATM कार्ड से तो सारा ये जो 4,905 यानी कि 5,000 रुपया ना सब आपका खत्म हो जाएगा, और आप सबको कानों कान खबर भी नहीं पहुंचेगा दोस्तों। तो आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है थोड़ा ध्यान से समझिए, आप प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑथोरिजेशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो बायोमेट्रिक ऑथोरिजेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ना आपको 4 डिजिट का पासपोर्ट डालना है दोस्तों, बहुत ही कमाल का। जैसे कि मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, इसको मैंने कैंसिल किया। यहाँ पर देखिए फ्रॉम परचेस, यानी कोई भी आप ऐप परचेस करोगे पैसे वाला होगा तो आपको ये पासपोर्ट यहाँ पर लगाना है, 4 कोई भी पिन देना है। जैसे कि देखिए दोस्तों मैं भी डालता हूँ, जैसे मैंने पासपोर्ट लगा दिया है तो शायद दोस्तों जैसे कि मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, कुछ याद नहीं है। तो आप ना यहाँ पर जो भी है पासवर्ड डाल लीजिएगा, तो क्या होगा कि एप्लीकेशन जैसे ही बच्चे ना मान लीजिए इंस्टॉल करने का कोशिश करेगा ना पैसे वाला है, जैसे कि देख लीजिए ये फोन में पैसे वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का जैसे ही कोशिश करेगा ना, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आपका जुड़ा हुआ है, तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले वहां पर ना वो पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड मांगेगा तो वो पासवर्ड तो सिर्फ आपको पता है। तो जैसे कर लीजिएगा तो बच्चे कुछ भी वो पैसा खर्चा नहीं हो पाएगा, तो मतलब आपका पैसा सेव रह पाएगा। तो इस 3 नंबर का ट्रिक करके आप अपने फोन के अकाउंट को पैसे को खत्म होने से बचा सकते हो। कैसा लगा ट्रिक, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब लास्ट और आखिरी चौथे ट्रिक की ओर, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों। ये ट्रिक है यदि आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन को, तो ये ट्रिक जरूर देख के जाना दोस्तों।
एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले उसका सारा डिटेल जान लीजिएगा, उसका सब कुछ के बारे में जान लीजिएगा। आप कैसे, इसके लिए सिंपली आप प्ले स्टोर में आइए। मान लीजिए आपके फोन में यही एक पैसे वाला एप्लीकेशन है, कोई यही वाला, मैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल पता लगाना चाहता हूं दोस्तों, तो यहां पर क्या करूंगा, अबाउट दिस ऐप होगा, यानी कि ऐप के बारे में, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो थोड़ा आपको नीचे की साइड आना है, नीचे की साइड आइएगा तो यहां पर ना उसका सब कुछ डिटेल दिखा देगा, ऐप ही ना, ऐप के बारे में सारा जानकारी, जैसे ये किस वर्जन का है, ये एप्लीकेशन को कब हमारे प्ले स्टोर पर दिया गया 13 दिसंबर 2021 को, एप्लीकेशन का डाउनलोडर कितना इतना है, डाउनलोड साइज कितना है इतना है, ऑफिशियल वाइस का डिटेल क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड ऑन भी है, रिस्ट्रिक्टेड ऑन कर दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट मिल जाता है, यहाँ पर एप्लीकेशन परमिशन बहुत ही कमाल कर चुके हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हो तो ये क्या परमिशन मांगेगा सब कुछ दिखा देगा, जैसे कॉन्टेक्ट का परमिशन मांगेगा, लोकेशन का परमिशन मांगेगा, टेलीफोन का, स्टोरेज का, अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग दिए हुए हैं जो कि आपके फोन में परमिशन मांगेगा, और इससे आपको सब कुछ डिटेल भी पता लग जाएगा कि इस एप्लीकेशन का काम भी क्या है। तो इस तरीके से आप इसका यूज करके अपने फोन में बहुत ज्यादा फायदे उठा सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों यही था दोस्तों, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा दोस्तों, और इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया आपको तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ये जो लाल वाला बटन है इस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार प्ले स्टोर ट्रिक। तो चलिए मिलते हैं इस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।